नीट 2019 AIR सेकंड भाविक बंसल ने इन टोटल 4 क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट करे थे नीट 2019 में। 3 क्वेश्चंस बायो से गलत अटेम्प्ट करे थे और 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। तो ये 3 क्वेश्चंस भाविक ने बायो से गलत अटेम्प्ट करे थे, जिसमें पहले में ह्यूमन एंसेस्टर्स की क्रेनियल कैपेसिटी मैच करनी थी, दूसरे में कॉर्निया के रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना था और तीसरा क्वेश्चन जी नॉट फेज के बारे में था। एंड केमिस्ट्री में खाली ये वाला क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करा था, मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। सो गाइस, अब देखते हैं कि इन चारों क्वेश्चंस को गलत करने का रीजन क्या हो सकता था और इनके आंसर्स क्या हैं। सो पहले बायो का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें ह्यूमन एंसेस्टर्स की क्रेनियल कैपेसिटी को मैच करना था। भाविक ने इसका आंसर जो है ऑप्शन बी अटेम्प्ट करा था, बट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ये क्वेश्चन दिखने में काफी सिंपल लगता है, क्योंकि एनसीईआरटी में नीएंडरथल मैन की क्रेनियल कैपेसिटी डायरेक्टली 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर दी गई है, एंड उसके बाद खुद यहाँ पर सारे ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं और खाली सी ऑप्शन ही करेक्ट बचता है। तो भाविक ने ऑप्शन बी क्यों चूज किया, तो उसके पीछे सिंपल रीजन ये है कि उसने होमो सेपियंस यानी कि प्रेजेंट डे ह्यूमंस हम उनकी क्रेनियल कैपेसिटी को मैक्सिमम मानकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब होमो सेपियंस की क्रेनियल कैपेसिटी को 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यों चूज किया, तो उसके पीछे ये रीजन है क्योंकि विद एवोल्यूशन ह्यूमंस की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो बढ़ती गई, तो अगर होमो सेपियंस लास्ट में आए तो उनकी क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। बट एक्चुअल में नीएंडरथल मैन की क्रेनियल कैपेसिटी प्रेजेंट डे ह्यूमंस से थोड़ी सी ज्यादा थी, बिकॉज नीएंडरथल मैन प्रेजेंट डे ह्यूमंस के डायरेक्ट एंसेस्टर्स नहीं है, वो प्रेजेंट डे ह्यूमंस के साथ ही इस दुनिया में इवॉल्व हुए थे, बट कुछ हजार साल पहले वो सडनली एक्सटिंक्ट हो गए, एंड उनकी क्रेनियल कैपेसिटी प्रेजेंट डे ह्यूमन से थोड़ी सी ज्यादा थी। तो अभी दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें कॉर्निया के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाविक ने ऑप्शन ए दिया था, बट इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन जो गलत अटेम्प्ट करा था वो था ये वाला क्वेश्चन, सेल्स इन जी नॉट फेज। तो ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसके बारे में एनसीईआरटी ने भी पूरा कुछ क्लियरली नहीं लिखा है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एग्जिट द सेल साइकिल। तो केमिस्ट्री से खाली ये वाला क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करा था, मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। तो ये वाला क्वेश्चन पूरा नॉलेज बेस्ड है, एंड मे बी यहाँ पर कोई सिली मिस्टेक हुई होगी जिसकी वजह से यहाँ पर ये गलत अटेम्प्ट किया होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विद डी ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। तो इस क्वेश्चन में उतना कुछ खास नहीं है, बस हमें ये बताना था कि मैग्नेट और पर मैग्नेट आयंस टेट्राहेड्रल क्यों है। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर से इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर पाई बॉन्डिंग में मैगनीज के डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं और ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, और हमें यहाँ पर यह भी पता है कि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल्स तो होते ही नहीं है, तो यहाँ पर तो वो बाकी ऑप्शंस खुद ही एलिमिनेट हो जाते हैं और यहाँ पर ऑप्शन ए ही करेक्ट बचता है। सो गाइस, यही थे वो 4 क्वेश्चंस जो नीट 2019 में भाविक बंसल ने गलत अटेम्प्ट करे थे।